ने बाइक में क्या क्या चेंजेस करवाए? सबसे पहले तो इसमें करवाया है टायर चेंज, इंडिकेटर लगाए हैं, दो तीन लाइटें ही देते हैं भाई। चेक करते हैं बोली मेरे बुलाने से आता है कि नहीं आता। बोली कम, ये जा रहे हैं भाई सीधे, इनको रास्ता पता है। तो इस पानी को हम लोग भी आराम से पी सकते हैं, ये बहुत शुद्ध पानी है। घर पे जेली डांट मिल रही है, तो ऐसे करते हैं इन बालों को ना आज कटवा देते हैं भाई, और घर वालों को शांति मिल जाएगी। बढ़िया बाल बनाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। इस सुबह की बहुत प्यारी मॉर्निंग के साथ हल्की सी धुंध जरूर लगी हुई है इधर को धूप की साइड, लेकिन जैसे भी है भाई धूप बड़ी प्यारी लगी हुई है। और आज पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई अपना डॉगी। देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो आ रहा है इधर, ये देखो बुली बुली खाना ढूंढ रहा है भाई। इस टाइम में हमेशा खाना खा लेता है। और आपको बता दूँ अभी मैंने ये 10-15 दिन के आसपास मेरे को अभी लाए हुए हो गए भाई इसको, और 10-15 दिन में ना ये बहुत बड़ा हो गया। जब मैं लाया था ना भाई बहुत छोटा था, 15 दिन में लगभग थोड़ा सा बड़ा हो गया है भाई, बहुत अच्छे लाइक चलता है, पहले तो इतना चल नहीं पाता था। ये रहा भाई इसका खाना, और ये देते हैं बुली को। बुली से ज्यादा भूख लगी होगी ना तो ये रोटी भी खाएगा। देखो अभी रोटी खा रहा है, देखो भाई ऐसा ऐसा करेगा ना पूरी रोटियां खाएगा अगर भूख लगी होगी तब, अगर भूख नहीं लगी होगी तो रोटियां नहीं खाएगा, दूध दूध पी जाएगा। और जब मैं शुरू में लाया था ना भाई तो मैंने इसको दूध दूध दिया करता था, और रोटी तो ये खाता नहीं था उस टाइम, छोटा भी था, 15 दिन में लगभग ठीक ठाक बड़ा हो गया है, तो दूध पीता था रोटी को छोड़ देता था। फिर मैंने ऐसा करा कुछ दिनों बाद, मैंने फिर पहले इसको रोटी देना शुरू किया, दूध को छिपा के पहले रोटी देना शुरू किया, फिर इसने रोटी की आदत डाली भाई धीरे धीरे, और फिर ये रोटी भी खाने लग गया। और अब मैं एक दो दिन से इसको रोटी और दूध एक साथ दे रहा हूँ, क्योंकि भूख भी इसको ज़्यादा लग रही है दिन प्रतिदिन भाई, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसको भूख भी बढ़ रही है इसकी, तो अब ये दूध और रोटी दोनों एक साथ खा लेता है। देखो बुली ने ना फिनिश कर लिया। और बुली कहाँ जा रहा है? बुली 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 देख, देखो कहाँ जा रहा है, ये भाग रहा है भाई, देखो भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो कहाँ जा रहा है भाई, अब देखना अब जाएगा भाई उधर जाएगा कहीं। इसने फिनिश कर लिया है, और बुली बहुत तेज है, सीधे भाग गया भाई कहीं किनारे पे, मुझे लग रहा है इसको सुसु सुसु आ रही होगी इसीलिए सीधे उधर भाग गया भाई किनारे पे। वो पहले जगह ढूंढेगा, फिर वहाँ पे सुसु जो भी उसको वॉशरूम होगी आ रखी वो करेगा, फिर वापस आएगा भाई। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताने वाला था, मैं आपको बताने वाला था कि बहुत लंबा टाइम हो गया है सिर्फ एक वीडियो जय श्री राम स्पेशल व्लॉग जो मैंने डाला था, उससे पहले बहुत लंबा टाइम था मैंने व्लॉग नहीं डाले, व्लॉग नहीं बना पाया। और आपको बता दूं कि अपनी जो बाइक है ना भाई उसमें मैंने कुछ 2-3 चीज़ें कराई है, मतलब एक्स्ट्रा, और कुछ कराने की भी है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई उसमें क्या क्या मैंने चेंजेस कराए हैं, वो आपको चेक कराता हूँ। तो आपको लेके चलता हूँ सीधे बाइक के पास, और आपको दिखाता हूँ कि मैंने बाइक में क्या क्या चेंजेस करवाए हैं, और बुली को दिखाता हूँ बुली कहाँ गया, बुली को ढूंढते हैं भाई कहाँ गया। बुली 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 ये देखो कहाँ गया। सबसे पहले तो इसमें करवाया है टायर चेंज अपना, जो कि टायर फट गया था भाई इसका, और ये नया टायर डलवाया मैंने जो कि मुझे 3,000 का पड़ा था, और जो इसका ओरिजिनल टायर था वो 4,000 का पड़ रहा था भाई। तो फिलहाल यहाँ पुरोला में सिर्फ यही वाला टायर मिल रहा था, तो मैंने जल्दीबाजी में यही टायर लगा दिया पुरोला में भाई। और दूसरा मैंने इसका वो चैन गार्ड यहाँ पे होता है ना, तो चैन गार्ड यहाँ पे होता है वो चेंज करवाया है और उसको हटा दिया। तीसरा मैंने इसमें जो मरगाट होता है यहाँ, जो यहाँ पे पानी रोकने के लिए प्लास्टिक का होता है ना, वो भी हटा दिया है, पूरी खाली खाली आप देख सकते हो पीछे से खाली खाली लग रही है। मैंने ये वाले इंडिकेटर लगाए हैं जो कि नाइट को ना बहुत देर लाइट देते हैं, 2-3 लाइटें ही देते हैं भाई, और बाहर बाहर को ये ब्लू लाइटें देते हैं इस पर, और अंदर रेड लाइटें देते हैं भाई, बहुत प्यारे इंडिकेटर है। और आगे आप देखोगे ना तो आगे मैंने ये वाले लगाए हैं LED वाले, जो कि मैंने चारों लगाए थे, पीछे भी लगाए थे, और ये अपने चैनल का नाम तो आप देख ही सकते हो उत्तराखंड का लड़का, और ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है भाई, जाके चेकआउट करो। और ये देखो मैंने चारों पहले ये करवाए थे, पीछे भी करवाए थे और आगे भी, लेकिन मैंने पीछे ना चेंज करवा दिए और ये वाले लगवा दिए। बाकी इसके सीट कवर भी बहुत पुरानी हो रही है, तो सीट कवर भी मैंने मतलब
ओला में ऑर्डर के लिए बोल रखा है शॉप वालों को, जैसे ही उनका ऑर्डर आएगा वो मेरे को बताएंगे और फिर इस पर हम सीट कवर भी लगवा देंगे। भाई ऐसा कुछ चेंजेस है, दो तीन चेंजेस है अपनी बाइक पे। ओ माय गॉड, नीचे चले गया भाई बुली। ये देखो भाई बुली, देखो देख रहे हो बुली, देखो बुली, देखो ये मस्त आ गया भाई, पेट देखो कैसा हो रखा। तो भाई बुली अभी ना यहाँ पे पीछे लेटा हुआ है और अभी चेक करते हैं बुली मेरे बुलाने से आता है कि नहीं आता है भाई, ठीक है अभी टेस्ट करते हैं इसका। बुली देखो उधर लेटा हुआ है, देखो आ रहा है, आ रहा है, और देखो उधर है, ठीक है बुलाऊं बुली, बुली कम 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 कम, देखो आइए, देखो 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 आ रहे ना बुली, कम देखो बुली। डॉगी के लादे मैंने एक शैम्पू और डॉगी के लिए पानी। भाई यहाँ आप देखोगे ना भाई, ये देखो ये है भाई पहाड़ी गीजर, इसमें पानी इतनी जल्दी गर्म हो जाता है ना भाई, इसमें पानी का मैं आप सिस्टम दिखाता हूँ। जैसे ये पानी है और मैं यहाँ से अगर पानी डालूंगा ना तो ये आप देख रहे हो ये पानी यहाँ से निकलेगा भाई, और ये इतना गर्म होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये पानी, बहुत ज़्यादा। अभी हमने भर दिया इसमें पानी डॉगी के लिए, देख रहे हो, देखो देखो नो नो, बुली को देखो भाई, पता नहीं क्या बुली सोच रहा है, क्या रख दिया है मेरे मुंह के सामने। बुली बुलू, बुल्लू को नहलाते हैं, बुलू आजा, बुलू आजा, आजा मेरा बुल्लू, आजा मेरा बुल्लू, आजा बुलू, आजा आजा मेरा बुल्लू, ये आ चुकी है सुबह सुबह। सुबह सुबह क्यों आई हूँ, कुत्ते के साथ खेलने के लिए भाई। ये देखो कुत्ते को परेशान कर देते हैं सुबह सुबह आके, और पूरे दिन भर अगर आप देखोगे ना पूरे दिन भर बहुत सारे लोग आ जाते हैं भाई, जो कि छोटे छोटे बच्चे ना बहुत सारे होते हैं, दिन भर आते हैं खेलते रहते हैं। तो लो जी भाई दिन के बज रहे हैं 12:30 और अभी तक भाई मैंने अपना काम निपटा दिया है और अब हो गया है डॉगी को फिर से खाना खिलाने का टाइम। उससे पहले ना भाई मैं घर पे अकेला हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है घर के कुछ काम, जो कि सबसे पहले आप इधर देखो भाई, गाय और जो एक बैल है ना इनको पिलाना है पानी और इनको घास वास देना है जो कि इधर रखा हुआ है। तो लो जी भाई जैसे कि मैंने गाय और बैल को छोड़ दिया है पानी के लिए, और ये आप देखो ये जा रहे हैं भाई सीधे, इनको रास्ता पता है भाई, जो गाँव के पशु होते हैं ना उनको पता होता है भाई, जो उनका डेली रूटीन होता है कि उनको पानी पीने कहाँ जाना है, उनको घास चरने कहाँ जाना है। तो आजकल तो भाई जैसे कि आप देखोगे ना तो जंगल जो ऊपर हमारे जंगल है ना इधर में तो आजकल बंद करा हुआ है, क्योंकि आजकल जो मटर की फसल है ना वो मटर की फसल निकलती है भाई, तो जिस वजह से सारे पशुओं को घर पे ही बांध के रखना होता है, क्योंकि नहीं तो ये फसल खा जाएंगे भाई और फसल को ख़राब कर देंगे। तो 6 महीने के लिए जो हमारे ये जंगल ऊपर है ना, ये जो भी जंगल ये इधर को जो जंगल है ना भाई ये बंद कर देते हैं 6 महीने के लिए भाई, और ये 6 महीने बाद ना हम खोलते हैं इनको, उसी के बाद हमारे पशु इन जंगलों में ना चरने के लिए जाते हैं भाई। तो हम पहुंच चुके हैं नदी पे, और नदी की शायद आपको थोड़ी सी पानी की आवाज़ आ रही हो, तो इस पानी को हम लोग भी आराम से पी सकते हैं, ये बहुत शुद्ध पानी है जो कि हमारे गुफाओं से निकल रहा है, जो कि ऊपर को गुफाएं हैं वहां से ये पानी निकल रहा है। और ये देखो भाई बैल घुस गया भाई नीचे, ओ भाई मटर खाने के लिए घुस गया, देखो बहुत तेज है भाई ये बैल, देख रहे हो उसको निकालना पड़ेगा ऊपर, लोग देखेंगे भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत, देख रहे हो बहुत तेज है भाई, इसको ऊपर निकालते हैं फटाफट। और यही चक्कर है दोस्तों, इसीलिए आजकल ना जो हमारे जंगल हैं उनको बंद कर रखा है ताकि फसलों का नुकसान ना हो, लेकिन बैल देख रहे हो मौके का फायदा उठाए भाई, मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा था और उतने में भाई बैल सीधे भाई नीचे कूद गया। ये जंगल वाला घास है दोस्तों जिसे हम जंगल से लाते हैं, जंगल से काट के लाते हैं वाला घास है, तो उसको देते हैं इनको देते हैं फटाफट ये वाला घास, ठीक है।
जो वाले घास है ना, बच के बहुत रहना पड़ता है क्योंकि ये घास चुभता बहुत ज़्यादा है और कपड़ों में एकदम ना, जैसे बोलते हैं ना कुमरे, बोलते हैं हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में कुमरे, इस घास में बहुत पाए जाते हैं। तो इस घास से बहुत बच के रहना पड़ता है भाई, और बहुत सेफ्टी से रहना पड़ता है, नहीं तो रात भर परेशान करते रहेंगे आपको। बुली, बुली को लग गई भाई भूख और बुली चिल्ला रहा है, देखो देखो बुली, बुली बुली को भूख लग रही है। बुली का कटोरा देखना भाई, कटोरा देखो बुली का, उल्टा कर दिया। मैं तो नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा तेरे पास, मैं नहीं आ रहा। शांत हो गया, शांत हो गया भाई बुली, शांत हो गया। मैं नहीं आ रहा तेरे पास, नहीं आ रहा मैं। अभी बैठ गया, देख रहे हो, शांति से बैठ गया भाई। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। देखो बुली, बुली देखो, बुली 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 ले, बुली बुली बुली। अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने उसको डराया था क्योंकि बुली ने ना भाई इधर इधर यहाँ पे ना पोटी कर दी थी, यहाँ पे झाड़ू था ना, झाड़ू को ऐसे पटका नीचे, इसे लगा मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैंने मारा नहीं तो वो डर गया एकदम। देखो जैसे मैं पास गया ना, एकदम लेट गया था। बुली 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 सीट, ओ लपेट दी भाई जंजीर। देखो कटोरा उल्टा कर दिया। खाना खाना है, खाना खाना है, खाना 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 है, खाना खाएगा। तो भाई बुली को खाना खिलाते हैं। तो लो जी भाई, सुबह की तरह एक बार फिर से हम बुली को देने वाले हैं दूध, और दूध के साथ एक रोटी जो कि हम तोड़ के टुकड़ों में तोड़ के दूध में मिला देंगे भाई ऐसे। बुली के लिए लेके आएंगे डॉग फूड बाजार से, और फिलहाल अभी बुली को देते हैं ये दूध और रोटी भाई। देखो बुलू, बुली इंतजार कर रहा सीढ़ी पे। चलो आ रहा हूँ, चलो बुलू, चलो 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 बुलू, चलो आ जाओ, आ जाओ बुलू, आ जाओ ले बुलू, बुलू 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 बुलू। भाई आप लोग देख रहे होंगे ना, बाल भाई बहुत लंबे लंबे हैं मेरे, वो तो इस टोपी के अंदर भी दिखने रहे होंगे ना, फिर भी बहुत लंबे लंबे बाल हैं। घर पे जेली डांट मिल रही है, तो ऐसे करते हैं इन बालों को ना आज कटवा देते हैं भाई, और घर वालों को शांति मिल जाएगी थोड़ा, और मुझे भी भाई डेली डेली सुनना पड़ता है बालों के लिए, और दाढ़ी के लिए तो खैर सुनना ही पड़ रहा है, पर बालों के लिए ज़्यादा सुनना पड़ता है, गाँव में भी हर कोई बोलता है भाई। तो आज करते हैं इनकी कटिंग और चलते हैं परोला मार्केट। बहुत सारे भाइयों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो देख लेना, मैंने जो पिछला व्लॉग है उसमें भी मैं गया था, पर उसमें मैंने क्या कराया था कि ऊपर के बाल छोटे कराए थे, कटिंग नहीं करवाई थी, इस बार ही कटिंग करवाएंगे। तो लो जी भाई रेडी हो चुके हैं बाजार के लिए, और चश्मा लगा के एकदम चलते हैं बाल की कटिंग करने के लिए। और आज बहुत खुश लग रहे हैं, खुशी चेहरे पे खुशी है, क्या कहना चाहते हो? बढ़िया बाल बनाए तो खुश तो बस तेजा ना दिक्कत बाल बनाए बिल्कुल। तो भाई चलते हैं बाजार की ओर, और बाइक अपनी नीचे खड़ी है, पापा आ गए थे बाजार से, तो चलो पुल के ऊपर पहुँचते हैं फटाफट, और शिव मंदिर अपने पीछे और बाइक नीचे खड़ी है पुल के ऊपर, फटाफट स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको नाई के यहाँ। तो लो जी भाई आ चुके हैं अर्शद भाई के शॉप में, और अर्शद भाई गए हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे है अपना भोला भाई जो कि बिजी है, बोला भाई अभी अकेले हैं, कटवाते हैं भाई अपने ये लंबे लंबे बाल जो कि बहुत लंबे हो गए भाई, देख लो भाई बहुत लंबे लंबे हो गए हैं, और दाढ़ी का भी देखते हैं दाढ़ी का क्या सीन होता है। दाढ़ी का अभी फिक्स नहीं है, लेकिन बाल हम कटवा देंगे। और अर्शद भाई आ चुके हैं हमारे, इंतजार कर रहा था तुम्हारा। हेलो गाइस, राहुल भाई टकला हो रहे हैं। हाय कर दे एक बार। हाय बेबी। नाम बता अपना। YouTube पे जाएगी, YouTube पे। माय फ्रेंड। कैसे हो? राहुल रावत। माय ब्रदर।
आ चुके हैं अपना बाजार से, दाढ़ी और बाल अपने बना गए हैं मस्त, बिल्कुल छोटी कर ली है, और कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अरे और महादेव राणा बहुत एक्साइटेड है हमारे दाढ़ी बाल के लिए। हाँ बाल तो चल कोई नहीं, चल इतना भी चलेगा, दाढ़ी बहुत प्यारी लग रही है। और महादेव की बहुत ख्वाहिश थी, महादेव बहुत प्यारी दाढ़ी लग रही है भाई जी आपकी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ना ना दाढ़ी बहुत प्यारी लग रही है भाई जी। तो क्या आया मतलब आज के दिमाग में, आज के मतलब दाढ़ी बाल साफ की जाए तो बहुत प्रेशर गांव वाले बहुत परेशान कर रहे थे, सारे लोग पीछे पड़े हुए थे और तेरे जैसे और छोटे बुलाते अपने। मैंने नहीं बोला आपको सर, जो कि मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने कब बोला? सब लोग बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे। हाँ सरपंच जी भी बोल रहे थे, सरपंच जी भी बोल रहे थे। तो मैं घर पे आया और बुली ने भाई अपना एक गेम शुरू कर दिया खेलना। भाई बुली को खेलने का बड़ा मन है और मैं जस्ट अभी घर पे आया और बुली ने खेलना शुरू कर दिया। लोग कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, क्योंकि बुली का भाई बहुत मन खेलने का हो रहा है। इसको खिलाते हैं खाना खिला के, इसको थोड़ी देर दौड़ाते हैं, इसको टहलाते हैं। मिलते हैं भाई नए मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई बाय।